You are watching 11 PM Bulletin. 62% जो फंडिंग है वो वफाक की थी और 38% सूबे की। ये कराची के अवाम का हक है, सिंध सूबे और पाकिस्तान की लीडरशिप का फर्ज है कि ये कर्ज जो कराची के ऊपर बनता है इसको उतारा जाए। इसको करने के लिए कोई सियासत नहीं है। आप एक कदम आगे बढ़ाएंगे, हम दो कदम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन साथ साथ इस बात का भी जरा जहन में रख लीजिए कि ये नहीं होगा कि सियासी पॉइंट स्कोरिंग हो, ये नहीं होगा कि हकायक को मस्त करके बताया जाए और हम खामोश रहें। तमाम मीटिंग में मैंने पहले भी कहा है, चीफ मिनिस्टर सिंध ने बड़ी मजबूत सोच का मुजाहरा किया है और उम्मीद है कि उनकी लीडरशिप भी उनको उसी मजबूत तरीके से काम करने देगी। लेकिन ये जो आप बात कर रहे थे क्या 18वीं तरमीम आड़े आती है, बिल्कुल आड़े आती है, इसीलिए तो ये कल इतना एहतमाम करना पड़ा कराची में काम करने के लिए। मेरी और मुराद अली शाह साहब की इस बात के ऊपर भी इतफाक़ी राय हो गया था कि ये जो तरक्याती पैकेज की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि काम वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की वजह से कराची का पहले शुरू हुआ था तो सबसे पहले वो मुकम्मल कर लिया गया है। इंशाल्लाह इसी तरीके से अंदरून सिंध के लिए तरक्याती पैकेज के ऊपर भी काम किया जाएगा। कराची की तरक्की से सियासत न थियण घुर्जे, मनसूबे में वफाकी सरकार 62 सैकड़ों फंडिंग कर रही है। वफाकी वजीर असद उमर कराची पैकेज में सिंध हुकूमत जो हिस्सों होजन बाबत बिलावल भुट्टो जरदारी के बयान से रद्दमल जाहिर कह पीपल्स पार्टी हिंसर का ही बहस शुरू कर छो है त पैकेज लाए केर केतरा पैसा डी। सिंध के वे वजीर प्लान लाए हाकारी मोट डी, उम्मीद है त पीपल्स पार्टी क्यादत खेस हाकारी कम करी। सिंध सरकार एक विख वधाई त वफाक ब विखू अगत रियासती इदारा या हुकूमतू गरजी कम न कंदू तो कराची की तरक्की वाली कोशिश कामयाब नी। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान असद उमर चाहिए सिंध सूधो बेन सूबन में बरसात के तबाहकार जायजो वे वजीर अजम खसूसी इजलास रो। बरसात मुतासर इलाकन में रिलीफ ए नुकसान के अजाले लाए हिकमत अमली जोड़ी वी। अरणी तमीम रंडकू पैदा कर रही है, तं कर कराची पैकेज आने लाए एडो एहतमाम करो पो। कराची में दहशतगर्दन जो राज खत्म थी वो, हाँ शहर की तरक्की ला कम कंदासी। सुप्रीम कोर्ट के अपील है त बहरिया टाउन के पैसे से सिंध के आवाम जो हक है, वो पैसो सिंध हुकूमत के दिनों वे तो जी आवाम के खर्च थे। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी नाजमाबाद ए सुजानी टाउन में बरसात मुतासर इलाकन के दौरे दौरान चाहिए कराची में 100 साल का एडी बरसात पी जैमें आवाम जो तमाम घड़ो नुकसान थो है। उम्मीद है त आवाम शहीद जुल्फकार बेनजीर भुट्टो जिया असां जो भी साथ दी नवा घर मिलने ताई नालन की सफाई दौरान कंजा भी घर न टाठा वेंदा। बरसात में जिन मानों जो नुकसान थो है उन्हों को ख्याल रखो वो। पीपी कारकुनन तरफा बिलावल भुट्टो जी गुलन की वर्खा ए नारेबाजी से आजियाँ वो वजीर ए सूबाई वजीर भी बिलावल भुट्टो जरदारी से गड हुआ। सिंध सरकार मकानी इदारों को मुद्दों पूरा थियण बाद समूरे सूबे में एडमिनिस्ट्रेटर्स मुकर्रर कर छड़ा। कराची में 21 ग्रेड जो ऑफिसर इफ्तिखार शालवानी एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर। कराची के 6 DMCs में लागापियल DCs भी एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कराची लाए घंवर लगारी। DMC दक्षिण कराची में इरशाद सोढ़, ओलह जिले में सलीमुल्ला ओढ़ो, ओभर जिले में मोहम्मद अली शाह ए मलीर लाए ADC 1 के एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर कर वो। अनीस अहमद दस्ती हैदराबाद, शहजाद अफजल सखर जो एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर। आर्मी चीफ चाहे त भारत हर भेरे जिया गैर जिम्मेवारों रवैयो इख्तियार कर वालरल कश्मीर की हैसियत की तब्दीली वाले भारत के गैर कानूनी कदम खिते के अमुन के नुकसान पहुंचाया वा है। पाकिस्तान अमुन पसंद मुल्क है पर जर जंग मड़ी वही त सिर जवाब पत्थर से ींदी जैसे मुजाहरों बालाकोट के नाकाम भारतीय हमले के जवाब में कर चुका हूँ। GHQ में यौम दिफा की तकरीब के खिताब कदे आर्मी चीफ चाहिए तो वालरल कश्मीर तस्लीम थियल तकरारी इलाको है, भारत के एक तरफे कदम के कदें भी कबूल न कदासी। जनरल कमर जावेद बाजवा चाहिए तो 5th जनरेशन वार मड़ी वही है जैसे मकसद मुल्क ए पाक फौज के बदनाम कर डफेड़ पकड़ना है। उन खतरे का मुकम्मल तौर आगा हूँ या जंग भी खटिंदी। September 15 का समूरा तालीमी इदारा खोलन घुर्जन या मासूम बारन की हिफाजत लाए फिलहाल स्कूल्स बंद रखा वन। हतमी फैसले लाए तालीम के वफाकी वजीर शफकत महमूद की सदारत में सुभाने इजलास थी। चयनि सूबन जहा तालीम वा वजीर शिरकत कदा। सिंध सरकार 15 September का हाई स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज खोलने की तजवीज़ रखी।
सूबाई वजीर सईद गनी मिडिल स्कूल 21 ऐं प्राइमरी स्कूल 28 सेप्टेम्बर खां खोलण जी सिफारिश कंदो। समूरनि सूबाई वज़ीरनि जी तजवीज़ुनि ते मुशावरत बाद तालीमी इदारा खोलण जो फ़ैसिलो कयो वेंदो। पहिरियां ई चयो हो त नवाज़ शरीफ़ वापसि न ईंदो, जेकॾहिं नवाज़ शरीफ़ वापसि न आयो त नून लीग खे ई नुक़सानु थींदो। वफ़ाक़ी वज़ीर फवाद चौधरी चयो आहे त नवाज़ शरीफ़ बरतानिया में घुमंदो नज़र अचे थो, जेको क़ानूनी निज़ाम जे मुंहं ते चमाट आहे। क़ानूनी तौर नवाज़ शरीफ़ ॾोही आहे। फवाद चौधरी चयो त नून लीग ओपोज़िशन में वॾो किरदारु अदा नथी करे सघे। पाकिस्तान अमुन जो अलमबरदार मुल्क आहे, पर उनखे असांजी कमज़ोरी न सम्झो वञे। वज़ीर आज़म यौम दिफ़ा जे मौक़े ते पैगाम जारी कंदे चयो आहे त 6 सेप्टेम्बर जो ॾिहाड़ो हथियारबंद फ़ौजनि जी जुरत, बहादुरी ऐं क़ुर्बानी जी अलामत आहे। पुरज़म क़ौम ऐं फ़ौज साबित कयो त उहे कंहिं बि क़िस्म जी सूरतहाल खे मुंहुं ॾियण लाइ मुकमल तौरु तयारु आहिनि। सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी चयो आहे त पाक फ़ौज जुरत ऐं पेशेवरानी महारत सां हर महाज़ ते दुश्मन खे शिकस्त ॾिनी आहे। 1965 जी 6 सेप्टेम्बर वारी तारीख़ अॼु बि असांजी दिलनि में ज़िंदा आहे। सॼी क़ौम वतन लाइ क़ुर्बानी ॾींदड़ शहीदनि खे भेटा पेश करे रही आहे। सॼे मुल्क में यौम दिफ़ा क़ौमी जोश ऐं जज़्बे सां मल्हायो वियो। इस्लामाबाद में 31 ऐं सूबाई गादी वारनि शहरनि में 21 तोपुनि जी सलामी सां यौम दिफ़ा जे सिज जी आजियां। क़ाइद आज़म जे मज़ार ते गार्ड जी तब्दीली वारी पुरवकार तकरीब। पाक एयरफोर्स जे कैडेट्स मज़ार ते गार्ड जूं ज़िमेवारियूं संभाले वरितियूं। GHQ रावलपिंडी में यौम दिफ़ा जे हवाले सां तकरीब दौरान आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ख़ुसूसी महिमान तौरु शिरकत कई। आर्मी चीफ शहीदनि जी यादगार ते गुल रखिया ऐं फातिहा पढ़ी। मुल्क जे नंढनि वॾनि शहरनि में तकरीबनि ऐं रैलीज़ दौरान मुल्की दिफ़ा लाइ पंहिंजूं जानियूं क़ुर्बान कंदड़ शहीदनि खे भेटा पेश। पाकिस्तान जी सलामती, खुशहाली ऐं अमुन लाइ ख़ुसूसी दुआऊं बि घुरियूं वयूं। पंजाब सूधो उतरनि इलाक़नि में बरसाति बाद दरियाई वाकरनि में चाढ़ जो सिलसिलो जारी। गुडू ऐं सखर बैराज वटि सिंधु दरिया में विचोले दर्जे जी बोड बरकरार। कच्छ जा इलाइक़ा सैफू पतण, फतू पतण, रज़ा ॻोठ, कचो बुंडी, अलिफ कचो ऐं शाह बेलो थां पाणी हेठि अची विया। गुडू बैराज वटि सिंधु दरिया में पाणी जो मथां वहिकिरो 4,66,700 क्यूसिक ऐं हेठां वहिकिरो 4,53,453 क्यूसिक रिकॉर्ड। सखर बैराज वटि सिंधु जो मथां वहिकिरो 3,97,700 क्यूसिक ऐं हेठां वहिकिरो 3,73,300 क्यूसिक रिकॉर्ड। कुर्डी बैराज वटि पाणी जो मथां वहिकिरो 1,77,617 ऐं हेठां वहिकिरो 1,76,092 क्यूसिक रिकॉर्ड। दरिया में चाढ़ बाद सखर बैराज वटि बंदि कयल समूरा कैनाल्स खोलिया विया। खानगढ़ में अली गोहर महर खे पग ॿधण बाद महर सरदारनि में पगदारी मामले तां छिकताण वधी वई। घोटकी ज़िले में कलम 144 लागू थियण बाद खानपुर महर शहर ऐं भरपासे में पुलिस अहलकार मुक़ररु। पुलिस खानगढ़ ॾांहुं वेंदड़ रस्ता ट्रॉलर बिहारे सील करे छॾिया। पुलिस अली गोहर महर खे पगदारी जूं मुबारकूं ॾियण लाइ गोहर पैलेस वेंदड़ माण्हुनि खे रोके छॾियो। अली गोहर महर चयो आहे त संदसि हामियुनि खे परेशान करण लाइ पुलिस मुक़ररु कई वई आहे। बिरादरी जा माण्हू कानून जो एहतराम कनि ऐं गोहर पैलेस ते न अचनि। गुज़िरियल राति अली गोहर महर खे पग ॿधी तारीख़ में पहिरियों भेरो महर बिरादरी जा ॿ चीफ सरदार मुक़ररु कया विया। गुम थियल माण्हुनि बाबति कमीशन जे सरबराह जस्टिस रिटायर्ड जावेद इक़बाल, SECP जे ऑफिसर ऐं अॻोणे सहाफ़ी साजिद गोंदल जी गुमशुदगी जो नोटिस वरितो। वफ़ाक़ी घरू सेक्रेटरी ऐं IG इस्लामाबाद खां रिपोर्ट तलब। साजिद गोंदल जे घरवातियुनि खे अरबा ते सॾाए वरितो। ॿ ॾींहं अॻु साजिद गोंदल जी कार इस्लामाबाद जे शहज़ाद टाउन वारे इलाइक़े मां हथ आई हुई। पीरगोट भरिसां गाड़ी मोरी वासी ॿ नौजवान धाड़ेलनि हथां अगवा। नौजवान काशिफ महेस ऐं फ़हीम शेख जवारसन तर्फ़ां अगवा वाक़िए जी तस्दीक। नौजवाननि जे वारसन चयो आहे त काशिफ ऐं फ़हीम खे 3 ॾींहं अॻु तितर ॾियणु बहाने बागड़जी जे कचे में घुराए अगवा कयो वियो। नौजवाननि कॉल करे अगवा बाबति इतलाउ ॾिनो। पुलिस कार्रवाई नथी करे। 2 महीना अॻु अगवा ॼाणायल घोटकी वासी नौजवान फयाज़ चाचर शिकारपुर जे कचे मां बाज़ियाब। राजूनी ज़रिए बाज़ियाबी अमल में अचण जा चोबोल। ज़रियनि जो चवणु आहे त 5 लख रुपया भुंग भरे नौजवान खे बाज़ियाब कराए वियो आहे।
त माना हुन जी शादी शुद्ध बि थियल आहे, हुन जो ॿ शादियूं हुयूं जंहिं मारियो आहे। मां चयो मां त टीं शादी कयईं त भली वञी कर ॿिए हंधि बि, पर हली चली उन जे हथ में हुई जंहिं भाउ मारियो आहे। नौदेरो भरसां ॻोठ बाजी गोपांग में वॾे भाउ हथां नंढो भाउ बेदर्दी सां क़तलु। जवाबदार ग़ुलाम रसूल गोपांग नंढे भाउ मेहर गोपांग खे गोरियुनि जो खाज बणाए फरार। मक़तूल जे वालिद चयो आहे त जवाबदार पुटु नंढे भाउ जी ज़ाल सां शादी करण लाइ मदद तलाक लाइ दॿाउ विझी रहियो हो। इनकार करण ते खेसि क़तलु करे छॾियो। जवाबदार जूं अॻु ई ॿ शादियूं थियल आहिनि। मक़तूल खे ॿिनि पुटनि जो औलाद हो, जोही वेझो संग न ॾियण तां नौजवान नारी उमेरा मलाह क़तलु। इल्ज़ाम हेठि जवाबदार अली रज़ा फरार। पुलिस नारी जे पीउ अली नवाज़ मलाह खे गिरफ़्तार करे वरितो। वारसनि जो पुलिस ख़िलाफ़ु एहतजाज। मक़तूल नारी जे पीउ खे फौरी तौरु आज़ादु करण जो मुतालबो। कंबर भरसां ॻोठु मसू भुटो में घर जी भित तामीर करण वारे मामले तां झेड़े मेद रोड शख़्स इमदाद शाह क़तलु। जवाबदार फायरिंग बाद फरार थी विया। पुलिस लाश पोस्टमार्टम बाद वारसनि हवाले करे छॾियो। मक़तूल जे भाउ क़ुतुब शाह चयो आहे त बरसाति में रही पियल भित ॿीहर तामीर करे रहिया हुआसीं त जवाबदार नजब शाह ऐं ॿियनि फायरिंग कई। पुलिस जवाबदारनि खे गिरफ़्तार न करे सघी। कराची जी पी आई बी कॉलोनी में 5 सालनि जी ॿारड़ी खे मुबैना तौरु ज़्याती बाद क़तलु करण ख़िलाफ़ु वारसनि ऐं इलाइक़े वासियुनि जो एहतजाज। मासूम ॿारड़ी मरवा जो ॿोरी बंदि लाश गुज़िरियल ॾींहुं ईशा नगरी प्लॉट वटां हथायो हो। वारसनि दाहियो त निंगरी 2 ॾींहं अॻु घरां निकिती ऐं पोइ गुम थी वई हुई। खेसि ज़्याती बाद क़तलु कयो वियो आहे। पुलिस नींग जी ॻोल्हा ऐं संजीदगी ॾेखारे हा त नियाणी जी हयाती बची वञे हा। वाक़िए में मुलविस जवाबदार खे गिरफ़्तार करे खेसि सख़्तु सज़ा ॾिनी वञे। नवकोट भरसां एल बी ओ डी खे आर डी 287 वटि लॻल 350 फुट घारो 6 ॾींहं गुज़रण बावजूदि ॿधजी न सघियो। आपाशी खाते तरफ़ां घारे खे मुकमल तौरु काठ जी कड़ लॻाइण जी दावा। घारे खे मिटी सां भरियल बोरिन ऐं बासकनि ज़रिए ॿधण जो कमु जारी। एल बी ओ डी खे घारे बाद धुरी में पाणी जो चाड़। पाणी नवकोट जे वार्ड नंबर 9 जी हरिजन कॉलोनी में दाख़िल जानवरनि जी अस्पताल बि पाणी हेठि अची वई। संतोरो फार्म मलापाड़ो ऐं मीर वकार कॉलोनी में बि अञा ताईं पाणी बीठल। थर जी बिराजी यू सी बटारो में 50 खां वधीक ॻोठ पाणी हेठि अचण बाद सवें ख़ानदान महफ़ूज़ हंधनि ते मुंतकिल। फसल ॿुॾी वञण सबबि आबादगारनि खे 2 लख रुपियनि जो नुक़सान। मेपोफास शहर ऐं भरपासे वारनि इलाइक़नि मां पाणी नेकाल न थियण सबबि मच्छरनि जो आज़ार वधी वियो। मलेरिया ऐं डायरिया सूदो ॿियूं बीमारियूं पखिड़जनि लॻियूं। घरनि ऐं ख़ैमनि में तरसियल मुतासिर भिटे अज़ाब में मुबतला। इंतिज़ामी नाअहली सबबि शहर जे मुख्य हैदराबाद रोड ते बि पाणी बीठल। सरकारी ऑफिसिस ऐं केतिरनि ई पाड़नि मां पाणी निकाल न थियो। वालकट टाउन, अली टालपुर टाउन, नवाब कॉलोनी, लतीफ़ टाउन ऐं ॿियनि इलाइक़नि में पाणी बीठल हुजण सबबि शहरी परेशान। ऐं कुंडरी तालुके जे सवें ॻोठनि मां अञा ताईं बरसाती पाणी निकाल न थियो। हज़ारें एकड़नि ते बीठल फसल पाणी हेठि अचण बाद आबादगारनि जा मथे ते हथ। कुंडरी खे आफ़त थियल करार ॾियण बावजूदु इंतिज़ामिया तरफ़ां मुतासिरनि जी बि सहायता न कई वई। पाणी बीठल हुजण सबबि बीमारियूं कर खणणु लॻियूं। मिर्पुर भठोरो जे केतिरनि इलाइक़नि मां बरसाती पाणी निकाल न थियण सबबि रहवासी भिटे अज़ाब में मुबतला। यूसी दरिया ख़ान सोह जे ॻोठ हमज़ा खोड़ जा रहवासी पाणी झाॻे लाश क़ब्रिस्तान ताईं ॾियण ते मजबूर। रहवासियुनि चयो आहे त इंतिज़ामिया आबादी वारनि इलाइक़नि ऐं क़ब्रिस्तान मां पाणी निकाल करण लाइ कख भञी ॿीणो न कयो आहे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टाइम न्यूज़ सां गॾु आउं आहियां ताहिरा वज़ीर। हेडलाइंस सां वठियूं तफ़सीली ख़बरूं शॉर्ट ब्रेक खां पोइ।